डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सामने आई छत्रसाल स्टेडियम की पूरी कहानी। हमलावरों ने मारपीट के एक नहीं कई वीडियोस बनाए। सुशील के साथी ने फोन कर बुलाया बदमाशों। असलहों के साथ मौके पर पहुंचे थे कई गैंग्स के गुर्गे। सागर के दोस्त को पीट पीट कर पूछा सागर का पता। सागर को अगवा करने खुद गया था सुशील कुमार। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। सिर से लेकर घुटने तक लगी थी जानलेवा चोटी। एक सेलिब्रिटी के तौर पर सुशील कुमार ने अपनी जिंदगी में न मालूम कितनी तस्वीरें खिंचवाई होंगी, कितने वीडियोस बनवाए होंगे, लेकिन दिल्ली के कुछ गैंगस्टर्स के साथ 4 और 5 मई की दरमियानी रात को अपने एक जूनियर रेसलर समेत 4 लड़कों को पीटने का ये वीडियो बनवाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वैसे सबसे बड़ी गलती तो जूनियर को अगवा कर पीटने की ही थी। वीडियो ने तो खैर उसकी चुगली ही खाई है, लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया है कि उस रात हुई पिटाई कांड का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वीडियोस बनाए गए, क्योंकि पुलिस इससे पहले ही प्रिंस के मोबाइल फोन से मारपीट का एक और वीडियो जब्त कर चुकी है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भिजवाया जा चुका है और लैब की शुरुआती रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये वीडियो इस वक्त सुशील कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। अब बात इस वीडियो में कैद हुए मंजर की। छत्रसाल स्टेडियम के इस वीडियो में सुशील कुमार खुद अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा लेकर सागर धनखड़ को पीटता दिखाई दे रहा है, जबकि उसके आजू बाजू में कई गुंडे और गैंगस्टर सागर पर रह रहकर वार कर रहे हैं। सबके बीच जमीन पर गिरा सागर धनखड़ रहम की भीख मांग रहा है। ठीक इसी तरह पास में ही सागर के एक और साथी की भी पिटाई हो रही है, वो भी जमीन पर पड़ा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों में पीले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का हाथ में रिवॉल्वर लिए दिखाई देता है। सूत्रों की माने तो यही प्रिंस है। इस प्रिंस को पुलिस ने वाकये के फौरन बाद मौका वारदात से पकड़ा था। प्रिंस वहां पुलिस के डर से एक गाड़ी में छुपा हुआ था। इसी प्रिंस को सुशील कुमार ने मारपीट का वीडियो शूट करने का काम सौंपा था, ताकि उस वीडियो के जरिए दूसरे पहलवानों और गैंगस्टर पर वो रोब गालिब कर सके। अब चूंकि इस वीडियो में प्रिंस खुद ही हथियार के साथ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी इस वारदात के वीडियोज बनाए।
सागर हत्याकांड के पीछे की असल वजह तलाशने में जुटी दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुशील कुमार ने इस मारपीट को क्यों कैमरे में कैद करवाया। जो वीडियो पुलिस को मिला वो प्रिंस के मोबाइल से मिला, लेकिन दूसरे वीडियो में प्रिंस खुद हथियार हाथ में लिए नजर आ रहा है। तो इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि इस पूरी वारदात के एक नहीं बल्कि कई और वीडियो हैं, और दूसरी चीज़ कि क्या इस वीडियो के जरिए सुशील पहलवान अपनों के बीच धमक स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अब बात पुलिस की केस डायरी में दर्ज तथ्यों की। केस डायरी में न सिर्फ सागर के कत्ल के मामले में सुशील कुमार के रोल का पूरा ब्यौरा दर्ज है, बल्कि उस रात सुशील के साथ कब कब किस किस ने कहां कहां किस किस को पीटा, कैसे किसे अगवा किया, किसे डराया, ये सारी कहानी लिखी है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी भूपेंद्र, मंजीत, गुलाब और मोहित ने बताया है कि जब वो लोग छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पहुंचे तो वहां सुशील के कुछ और साथी पहलवान रविंद्र उर्फ भिंडा नाम के एक लड़के को पीट रहे थे। मारपीट स्टेडियम के अंदर हो रही थी और सुशील उससे लगातार सागर का पता पूछ रहा था। मगर खास बात तो ये थी कि रविंद्र मार तो खा रहा था लेकिन सागर का पता नहीं बता रहा था। इसी बीच रविंद्र के फोन पर किसी ने कॉल किया। पीट रहे रविंद्र का फोन सुशील के ही साथी अजय ने उठा लिया और तब सभी शोर मचाने लगे कि सागर का पता मिल गया। इसके बाद एक ब्रिजा कार में तीन बदमाश मंजीत, भूपेंद्र और प्रवीण चोटी मॉडल टाउन में सागर के घर पहुंचे। तभी रात के कोई 12 से 1 बज रहे होंगे। दिल्ली पुलिस की केस डायरी की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार, सोनू महल और सागर धनखड़ के बीच दोपहर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस दौरान सोनू महल ने सुशील कुमार का कॉलर पकड़कर उसे धमकाया था। इसके बाद सुशील ने अपने गैंगस्टर साथियों को बुलाया और रात 11 बजे वीरेंद्र कुमार को फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, जिसके बाद सुशील के साथी वीरेंद्र के पास पहुँच गए और वीरेंद्र को अपने साथ उठा लाए। इसी दौरान जब वीरेंद्र की पिटाई चल रही थी, सुशील के साथियों के पास एक फ़ोन आया और पता चल गया कि सागर और सोनू महल कहां पर मौजूद हैं, जिसके बाद सुशील कुमार खुद मॉडल टाउन के उस फ्लैट के नीचे होंडा सिटी और स्कॉर्पियो से पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने सोनू महल और सागर धनखड़ को वहां से उठा लिया और उठाकर उसे छत्रपाल स्टेडियम ले आए, जहाँ पर जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है कि इन सब ने मिलकर सागर धनखड़, सोनू महल, अमित और वीरेंद्र की जमकर पिटाई की, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई। ब्रिजा में गए बदमाशों के साथ खुद सुशील कुमार और अजय होंडा सिटी कार से गए। सुशील नीचे अपनी गाड़ी में बैठा रहा जबकि तीनों बदमाश सागर के घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। तब वहाँ तीन लोग मौजूद थे, सागर, उसका दोस्त और गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा सोनू महल और अमित। रात को ये तीनों ताश खेल रहे थे। सुशील के भेजे गए बदमाशों ने सोनू महल की जबरदस्त पिटाई की और फिर सागर को पीटते हुए घर के बाहर सुशील के पास लेकर आए। इसके बाद सागर को छत्रसाल स्टेडियम लाया गया और फिर वहां उसकी डंडों और हॉकी स्टिक से जबरदस्त पिटाई की गई। गिरफ्तार मुलजिमों की माने तो सबसे ज्यादा पिटाई प्रवीण चोटी और मोहित नाम के दो बदमाश कर रहे थे। चूंकि अब असली शिकार यानी सागर धनखड़ और सोनू महल सुशील और उसके साथियों के हाथ लग चुका था, अब तक पिट रहा रविंद्र किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब रहा और उसी ने 100 नंबर पर कॉल कर इस वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्टेडियम के अंदर कोहराम मचा हुआ था, लेकिन विडंबना देखिए कि स्टेडियम का गेट बंद था। हालत ये हुई कि पुलिस को स्टेडियम के अंदर जाने के लिए 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और इतनी देर में सुशील कुमार समेत सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। देर तक पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता रहा और तब गेट खोला गया। स्टेडियम में सोनू महल, सागर धनखड़ और अमित बुरी तरह जख्मी हालत में पड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बाद में सागर की जान चली गई। उधर स्टेडियम के बाहर सुशील का एक साथी प्रिंस गाड़ी में छुपा हुआ मिला। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद वो भी सुशील कुमार और उसके साथियों की पिटाई का शिकार हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो हमलावरों में शामिल था।
पुलिस ने उसके पास से एक असलहा भी बरामद किया और उसके मोबाइल फोन से मारपीट की इस भयानक वारदात का वीडियो भी जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में सुशील कुमार समेत अब तक 8 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उस रात मारपीट के दौरान बिंदर एक पिस्टल लेकर आया था, जबकि सुशील के साथी अजय ने फोन कर नीरज बवाना और राजू असौदी गैंग के कम 6 से 7 गुर्गों को बुलाया। लेकिन सबसे ज्यादा कहर खाने वाले दो बदमाश प्रवीण चोटी और बिजेंद्र उर्फ बिंदर अब भी फरार। क्या 4 और 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ उसकी साजिश पहले रची गई थी? अगर सूत्रों की माने तो 4 मई की रात को सुशील पहलवान के सहयोगी अजय ने ही तमाम गैंगस्टर को फोन किया, जिसके बाद गैंगस्टर की पूरी फौज असलहों के समेत छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। लेकिन वहां जब वो पहुंचे तो दूसरा पक्ष नदारद था, जिसके बाद ये लोग गए फ्लैट से, उन सबको उठाकर लेकर आए और छत्रसाल स्टेडियम में जमकर मारपीट हुई। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जब पुलिस वहां पर पहुंची, किसी कॉलर ने फोन किया तो पुलिस को भी अंदर घुसने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जब पुलिस अंदर पहुंची तो एक भी बदमाश अंदर मौजूद नहीं था, यहां तक कि सुशील भी वहां से भाग चुका था। पुलिस को मौकाए वारदात पर गाड़ियां मिली, हथियार मिले और खून के निशान मिले, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। वैसे अब तक अपने बचाव में सुशील कुमार ने खुद पिटाई करने की बात से इनकार किया है और ये कहा है कि वो तो वहां बीच बचाव के लिए पहुंचा था। सुशील कुमार ने सागर धनखड़ को अगवा किए जाने की बात से भी इनकार किया है। लेकिन ये तस्वीर जहां सुशील कुमार के झूठ की पोल खोल रही है, वहीं बाकी सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस मॉडल टाउन के उस रूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ साथ सुशील कुमार और उसके बाकी साथियों के मोबाइल फोन की लोकेशन की डिटेल भी चेक कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि उस रात सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से सागर को अगवा करने गया था या नहीं। मारपीट का मोबाइल वीडियो, पकड़े गए बदमाशों का कबूलनामा और पीड़ित लड़कों के बयान के तौर पर इस मामले में पुलिस के पास पहले से ही कई सबूत मौजूद हैं। और अब सामने आए पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कहानी और साफ हो गई है। वैसे तो सुशील कुमार ने पहले ये कहा था कि उसने सागर धनखड़ की पिटाई उसकी जान लेने के लिए नहीं की, वो तो बस उसे डराना चाहता था। लेकिन अब पता चला है कि सागर के सिर से लेकर पांव तक चोट के इतने निशान थे कि इतनी पिटाई के बाद तो किसी की भी जान चली जाती। कम से कम चोट इस बात की तरफ इशारा तो कतई नहीं करते कि मारने वालों का इरादा सिर्फ उन्हें डराने का था। रिपोर्ट से पता चला है कि उस पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से कई वार किए गए। उसके शरीर में 1 से 4 सेंटीमीटर के कई गहरे जख्म मौजूद थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। छाती पर 5/2 सेंटीमीटर और पीठ पर 15/4 सेंटीमीटर के जख्म थे। सागर के सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान पाए गए। कई चोट के निशान तो नीले पड़ गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक ये सारे चोट एंटीमॉर्टम नेचर के थे, यानी जीते जी उस पर किए गए हमलों से लगे थे। पोस्टमार्टम के बाद उसका विसरा और ब्लड सैंपल जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। सागर को 4 और 5 मई की रात 2:52 पर BJRM अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बाद में उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां 7:15 इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ है कि सागर की मौत 7:00 के आसपास हुई थी। पोस्टमार्टम में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उसके जिस्म पर 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक बड़े जख्म मौजूद थे, यानी सर से लेकर पैर तक सागर धनखड़ जख्मों से चूर चूर था। और मौत की वजह भी डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम में सर में किसी भारी चीज़ से चोट लगने से बताई गई है। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि सागर की किडनैपिंग इस मकसद से ही की गई थी कि किसी हालत में उसकी जान ना बचने पाए, जो कि चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में खुद बयान कर रहे हैं। सुशील कुमार के गैंगस्टर से रिश्तों को लेकर ये बात तो अब साफ हो गई है कि सुशील के एक नहीं बल्कि कई गैंगस्टरों से ताल्लुकात थे, जिनमें दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश नीरज बवाना, गैंगस्टर काला जठेड़ी, लॉरेंस विश्नोई और राजू असौदी जैसे क्रिमिनल शामिल हैं।
लेकिन ये सवाल अहम है कि आखिर सुशील इन गैंगस्टरों के करीब कब और कैसे आए। तो छानबीन में ये कहानी भी उभर कर सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 साल पहले सुशील कुमार को दिल्ली के कई टोल प्लाजा जैसे लाडपुर, औचंदी बॉर्डर, कुतुबगढ़, नाहरा में टैक्स वसूली का ठेका मिला था। इन टोल नाकों पर वसूली के लिए सुशील ने उन पहलवानों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया जिनके रिश्ते गैंगस्टरों के साथ अच्छे थे। रास्ते से गुजरते तमाम तरह के लोगों और खासकर टोल टैक्स देने से बचने की कोशिश करने वालों से निपटने के लिए सुशील कुमार को शायद ये गैंगस्टर नुमा पहलवान ही ज्यादा भाते थे। और तभी से सुशील गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे सुशील को इन बातों का चस्का लग गया और दबंग दिखने के शौक में वो अक्सर गैंगस्टर और असलहों से घिरा रहता। और तो और वो ऐसे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा कर बहुत खुश होता था और उनके साथ उसे उठना बैठना पसंद था।